हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी कुकिंग बाय सोनिया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। किस तरीके से, अगर आपके घर में प्याज नहीं है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। प्याज को फ्राई करके आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास कभी प्याज नहीं है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है। तेल इस टाइम गर्म है, तो अब हमने इसके अंदर जीरे को ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून जितनी मेरे पास प्याज पड़ी थी, ये मैंने छोटी छोटी बारीक बारीक काट ली है। और इसके बाद मेरे पास प्याज है नहीं, तो मैं इसमें फ्राई जो प्याज होती है अनियन, वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर फ्राई अनियन है, ये मैंने रखी हुई थी, ये मैं स्टोर से लेकर आई थी। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगर फ्राई नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप स्टोर में मिल जाती है, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में, तो वो ला के रख सकते हैं आप। तो अब हम इसमें ये ऐड करने वाले हैं, और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट को ऐड करेंगे। आज मैं आपको बता दूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और मटर की सब्जी। मुझे कुछ पता नहीं लग रहा क्या बनाना है, तो मेरे पास आलू पड़े थे, तो मटर फ्रोज़न पड़ी है, तो मैं आलू मटर की सब्जी आज बना के आपको बताऊँगी किस तरीके से आप बना सकते हैं जल्दी से। देखिए, यहाँ पर अब मैं अदरक लहसुन की पेस्ट को ऐड करने लगी हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टमाटरों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और 2 हरी मिर्च जो लाल मेरे पास पड़ी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है, वो मैंने पीस के इसमें डाली है। तो यहाँ पर आपके बेसिक मसाले आ जाएंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और यहाँ पर मेरे पास किचन किंग मसाला पड़ा था, तो वो मैंने इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून इसमें ले लिया है। अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, वरना आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास पड़ा था घर में। तो अभी ये सभी मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसालों को ऐड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसके टमाटर को जो हमने ग्राइंड किया था, वो जो हमने मसाले इसमें ऐड किए थे, टमाटर ग्राइंड किए हुए, वो अच्छे से इसको हमने पका लेना है 5 मिनट तक, ताकि ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें कटे हुए आलू को ऐड करना है, और मटर को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमने नमक को ऐड करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने आलू को छील लिया था और धो के काट लिया है। यहाँ पर ये देखिए, मटर है मेरे पास, अब मैं इसको इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया, यहाँ पर हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे, और हम मटर को भी ऐड कर देंगे, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी को ऐड कर दिया, और पानी डालने के साथ ही मैंने इसमें नमक को ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसको ढक के इसको मैं पका लूँगी जब तक आलू सॉफ्ट नहीं होते, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप इसको बहुत इजी से तैयार कर लिया है। क्योंकि हमारे घर में प्याज नहीं है, तो फिर अगर नहीं है, कई बार होता है कि सबके घरों में प्याज एकदम से पता चलता है ख़त्म हो गई है या फिर कुछ है, तो ये ऑप्शन सबसे बढ़िया होता है कि आप या तो फ्राई करके रख लीजिए, या फिर आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से आप इसको ला के रख लीजिए। जब आपके पास नहीं हो तो आप ये प्याज को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ढक्कन हटा के मैंने देख लिया है, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी को ऐड करना है, और इसमें हम हरा धनिया को ऐड करेंगे, और इनको हम कर लेंगे मिक्स। बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। और थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी रखेंगे, ताकि आलू मटर की जो सब्जी है वो थोड़ा रोटी के साथ अच्छी लगे खाने में। और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँ किसी बाउल के अंदर। कलर देखिए आप इसका, और आपको देखने में, मेरे को तो अभी मन कर रहा है जल्दी से इसको मैं इस वीडियो को स्टॉप करूँ और खाऊँ, और बहुत भूख लगी है मुझे इस टाइम। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई अगर आप सजेशन दे सकते हैं तो वो दीजिए, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मेरा ये चैनल है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरा ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अब मैं एक नई रेसिपी के साथ आपको मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।